असलम स्टूडेंट्स इन टूडेज़ लेक्चर वी विल डू सम कन्वर्जन्स ऑफ टेम्परेचर फ्राम वन स्केल इं टू अनादर टेम्परेचर स्केल हेयर वी हैव कन्वर्टेड इन फोर डिफरेंट वेज आप देख सकते हैं कि सेल्सियस से कैलवन में और फेरन हाइट में हमने चेंज किया है और देन कैलवन से सेल्सियस में और फेरन हाइट से सेल्सियस में चेंज किया है सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाओ वी चेंज फ्राम सेल्सियस टू कैलवन स्केल इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो आ अगर आपके पास जो वैल्यू है वो डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है और आपने उसको कैलवन में चेंज करना है तो आप जस्ट उस वैल्यू में टू सेवेंटी थ्री को इतनी अमाउंट को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा फाइनल अमाउंट आएगी वो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आएगा इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं जैसे आपके पास ये गिवन है सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड और आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे टी इज इक्ल्स टू टू सेवेंटी थ्री प्लस सी डिग्री सेंटीग्रेड तो आपने जस्ट एज़ इट इज़ टू सेवेंटी थ्री लिखना है सी में आपने जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी अमाउंट टेम्परेचर की वो आपने ऐड कर देनी है और आप जस्ट पुट करेंगे आपके पास जो टेम्परेचर आएगा वो कैलवन में आएगा आपने सेल्सियस से कैलवन में चेंज कर लिया फिर हम देखते हैं अगर हमें कैलवन से सेल्सियस में जाना हो यानी कि दोबारा हम कैलवन से सेल्सियस में जाना चाहते हैं तो ये आपके पास जो टेम्परेचर गिवन है टी इजिकल टू टू सेवनटी थ्री प्लस सी ये आपके पास सेल्सियस से कैलवन में गिवन है अगर आपने दोबारा अब यहाँ पे आपने टम्परीचर निकालना है C के लिए यानी कि सेल्सियस में टम्परीचर निकालना है तो आप यानी कि हमें C की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे टू सेवेंटी थ्री को वहाँ ले जाके लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो टेम्परेचर आ जाएगा वो सेल्सियस में आ जाएगा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है कैलवन में तो आपने इसको चेंज करना है सेल्सियस में तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सी इज़ इक्स टू टी माइनस टू सेवनटी थ्री आपने वैल्यू पुट की और आपके पास सेल्सियस में आंसर आ गया नेक्स्ट आप सेल्सियस से फेरन में जाना चाहते हैं तो अब जो हमारे पास डिविजन्स होती हैं सेल्सियस स्केल में वो हंड्रेड डिवीज़न वन एटी डिविजन्स के इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है अगर हमने एक डिवीज़न की बात करें तो सेल्सियस स्केल में एक डिविज़न वन पॉइंट एट डिविज़न के इक्वल होती है तो हम क्या करेंगे अगर हम लोगों ने फेरन हाइट स्केल में जाना है तो उसके लिए हम वन पॉइंट एट इंटू सी प्लस थर्टी टू करेंगे इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है जो कि फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे वन पॉइंट एट आपने यूज़ किया सी की जगह आपने जो गिवन है टेम्परेचर उसकी अमाउंट पुट करनी है प्लस थर्टी टू तो आपके पास आंसर आ जाएगा फेरन स्केल में देन अगर आप फेरन से सेल्सियस में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे सेम वही फ़ार्मूला यूज़ करेंगे अब हमें यहाँ पे सेल्सियस यानी कि सी चाहिए तो सी हम सेपरेट कर लेंगे एफ़ माइनस थर्टी टू इज़ इक्स टू वन पॉइंट एट सी अब हमें सिर्फ सी चाहिए तो उसके साथ जो वन पॉइंट एट है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके पास फार्मूला गिवन है हंड्रेड डिग्री फेरन में टेम्परेचर गिवन है और हम इक्वेशन ए यूज़ करेंगे ये फार्मूला यूज़ किया इसमें वैल्यूज़ पुट कं यहाँ पर आपके पास एफ़ था यानी कि जो टेम्परेचर गिवन था फेर में आपने वो पुट किया और आपके पास जो आंसर आएगा जो टेम्परेचर आएगा वो अब सेल्सियस स्केल में होगा ये सारी कन्वर्जनस हैं जो जो कि आप लोगों को याद रखनी है इनके फार्मूलाज याद रखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है Thank you so much Allah Hafiz